हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। माय नेम है शिवाज पसीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप कैसा रह सकता है। अब आ चुकी है जुलाई की एक्सपायरी और जुलाई की एक्सपायरी में हम लोग कुछ अच्छे से ट्रेड्स और अच्छे से फाइट करेंगे और वहां पर देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी किस तरीके से वर्क कर रही है। सो जुलाई की एक्सपायरी पर आप लोगों को बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड होने वाली है हमारे इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे गूगल फॉर्म को नीचे डिस्क्रिप्शन वाले पे अपना साइन इन नहीं करा, अपनी डिटेल्स इन्फो नहीं डाली है, तो आप लोग हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टीम की तरफ से एक वीकली रिसर्च रिपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन से रिलेटेड मिस कर रहे हैं। यस गाइस, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक फॉर्म, एक लिंक को खोलना है, वहां पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है एंड वहां पर आप लोगों को एवरी वीक ऑन संडे 12 बजे आप लोगों को एक मेल आएगा हमारी तरफ से, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की टीम की तरफ से, और वहां पर आप लोगों को एक वीकली रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड होगी और उस रिपोर्ट पे आप लोगों को कुछ स्विंग ट्रेड्स दिए जाएंगे। निफ्टी की पूरी एनालिसिस होगी जिसपे ऑप्शंस की भी और ओपन इंटरेस्ट की भी एनालिसिस होगी। मेजर न्यूज कवर जो हो सकती है नेक्स्ट वीक वो आप लोगों को दिया जाएगा, सारी कुछ होगी एंड हम लोग फर्दर और उसे एडवांस पोजिशन पे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, सो अभी तक आप लोगों ने नहीं करा तो नीचे फॉर्म है, फिल करिए और नेक्स्ट वीक हमारे साथ जुड़िए। और जिन लोगों को भी मेल मिल चुका है प्लीज जाके चेक करिए, जिन लोगों ने भी अपने ईमेल एड्रेस डाले थे जाके अभी चेक करिए, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट या शिवाज भसीन के नाम से आपको मेल आया होगा एंड जाके फायदा उठाइए और अपने रिव्यूज हम लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड करवाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, हम लोग मई जुलाई स्टार्ट हो चुका है तो आप लोगों को पता हम लोग एवरी मंथ एक स्विंग ट्रेड की सर्विस लेकर आते हैं जो कि आप लोगों को लाइव मार्केट पे दी जाती है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो दिए गए नीचे गए हुए नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है आप लोगों को फर्दर डिटेल्स जुलाई से रिलेटेड प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की मार्केट किस तरीके से रहने वाली है। प्लस आज मैं एक नई इंटरेस्टिंग चीज भी आप लोगों के साथ एड ऑन कर रहा हूं, मैं टेक्निकल्स के साथ ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन भी ऐड कर रहा हूँ कि आप लोगों को फर्दर में एनालिसिस की तरफ लेकर जाते रहूँ, क्योंकि अभी हम लोग टेक्निकल के बेस्ड पे ही थे। अब मैं और ज़्यादा चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि आप लोग हर चीज़ में स्ट्रांग होते रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है नौकरी, इन्फो एच पे मैं आप लोगों को बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। आप क्लियरली अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक नीचे आप लोगों को एक सप्लाई जोन दिख रहा है, एक डिमांड जोन आप लोगों को देखने को मिल रहा है एंड एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है जो अपने सारे हाईज को कनेक्ट कर रही है। क्या अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, एक ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट एंड इट स्टार्टेड टू मूव बैक अप अगेन। ठीक है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, रीटेस्ट करके अब ऊपर जा रहा है और एक क्लियर अच्छा बाउंस भी दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। सो आई थिंक ये बढ़िया लेवल्स आप लोगों को कल इंट्राडे सेशन के अंदर प्रोवाइड करवा के चल सकता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर डेफिनेटली ऐड करेगा, कल इंट्राडे में आप लोगों को अच्छी मूवमेंट ये पर्टिकुलर स्टॉक दे सकता है। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की, हमारा सेकंड स्टॉक है दीपक नाइट्रेट पे आप लोगों को यहाँ पर एंट्री लेवल, टारगेट एंड स्टॉप लॉस तीनों दिख रहे हैं। सो देखिए, मैं जब चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने एंट्री लेवल, टारगेट एंड स्टॉप लॉस को नोट करिए। सो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पर या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जूम करूंगा तो ये आप लोगों के साथ मिस हो सकता है। सो सुनिएगा आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर दो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही होंगी, दो ब्लू कलर की लाइंस एक्ट कर रही हैं एज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था और उसका हम लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं इस पे हायर लेवल के टारगेट्स एज्यूम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दीपक नाइट्रेट एक मेरा फेवरेट स्टॉक है और मेरे पास ये बहुत लोअर लेवल से ऑलरेडी पड़ा हुआ है और मुझे पता है कि अगर कोई भी पैटर्न का ये ब्रेकआउट देता है तो अपने हाईएस्ट लेवल के टारगेट्स को बहुत इजीली विद इन अ कपल ऑफ डेज अचीव कर लेता है। सो ये मेरा एक स्विंग ट्रेड है, आप लोग इसे डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। 1790 ऊपर बाय करिएगा, 1845 हमारा पहला टारगेट होगा, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं 1840 हमारा ये वाला टारगेट है, इसके बाद जो प्रीवियस हाई था वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, सो आप लोगों को 1790 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, सो यू कैन गो फॉर अ बाय। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्टॉप लॉस हमारे रेड कलर का होगा, ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, सो ये एक स्विंग ट्रेड था एंड नौकरी भी एक स्टॉक अच्छा है, डेफिनेटली अपने टारगेट्स तक रीच कर सकता है, बट स्टॉक थोड़ा महंगा था इसलिए मैंने आप लोगों को वो स्विंग ट्रेड के लिए नहीं दिया। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टॉक।
हमारा थर्ड स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया पे भी बाय करने की सलाह दी जा रही है। क्लियरली यहाँ पर आप लोगों को पता है जो ब्लू कलर का जोन है ये एक डिमांड जोन है। यहाँ पर हमेशा स्टॉक रीटेस्ट करके एक बाउंस देता है और एक ऊपर की तरफ एक नया हाई क्रिएट करता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसने रिसेंटली अभी एक दोबारा डिमांड जोन को इसने टेस्ट करा एंड इट क्रिएटेड अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक क्रिएटेड इन्वर्टेड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और आप अगर प्रीवियस हाइस को देखोगे कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया है। सो एग्जैक्ट एक सेम लेवल से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया, प्लस एक अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट आया है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये यहां से एक अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। सो आप लोगों को एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप लोग जाके इस पे एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं। ये भी एक 3 से 4 दिन के होल्डिंग पर्पस के लिए ये स्टॉक बन सकता है, या फिर अगर चांसेस अच्छे हुए तो ये कल के कल ही टारगेट सारे अचीव कर दे। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अब इसके टारगेट्स कैसे फाइंड करे गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए 880 का जो टारगेट है वो तो यही है कि ये जो शोल्डर है, शोल्डर का जो डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। एंड 900 टारगेट कैसे पता लगा, 900 टारगेट हमें पता लगा थ्रू इसके जो कि एक प्रीवियस स्विंग हाई था। ठीक है, इसलिए आप लोगों को दो टारगेट सजेस्ट करे गए हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ स्टॉक। हमारा फोर्थ स्टॉक है उषा मार्ट। ये भी हमारे लिए एक स्विंग ट्रेड ही है। यहाँ पर आप लोग अगर देख सकते हैं तो इसने एक क्लियर एक लॉन्ग टर्म चैनल का एक ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं जो ब्रेकडाउन आया था 2011 में आया था, और 2011 में ये 45 या 48 के नीचे आना स्टार्ट हुआ था उषा मार्ट, और इवेंचुअली इसने अगर मई 2021 पे जाके इसने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है। सो ऑलमोस्ट 10 साल बाद जाके इसने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कम से कम 8 वीक्स यानी कि 2 महीना कंसोलिडेट करा है। एक क्लियर ब्रेकआउट देने के बाद वो कंसोलिडेशन जोन में चला गया। अब देयर इज अ हाई चांसेस कि यहां से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इस वीक के अंदर, और अगर इस वीक के अंदर एक ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी मूवमेंट ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले टाइम पे दे सकता है। इस स्टॉक को डेफिनेटली बाय करके चलिएगा। टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस आप लोगों के सामने ऑलरेडी नोटेड है। ठीक है, 57 के ऊपर बाय करना है, 63-65 का टारगेट है, स्टॉप लॉस हमारा 54 का है, और ये एक स्विंग ट्रेड है। मैं आप लोगों को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, सी ये एक पैटर्न है, ये देख रहे हैं एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर डेफिनेटली आ सकता है, और यहाँ पर हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी एंड वॉच किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म करता है। बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। हमारा लास्ट स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक भी आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है। क्लियरली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने दो लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ करी है, एक अपर रेजिस्टेंस वाली लाइन है एंड यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स ये लॉन्ग टाइम पहले ले रहा था, एंड उसके बाद जब ब्रेकडाउन दिया दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ये फेस करे, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस यहाँ फेस करा एंड सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर फेस करा था। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि एक अपमूव आई, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा एंड इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। तो एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न का इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अब जिसका प्रीवियस हाई था एग्जैक्ट वहां पर इसने एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो क्रिएट करा, अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी थोड़ा सा बुलिश है, तो मैं एक्सपेक्ट करता, अगर बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा मुझे वीक लगता तो मैं यहाँ पर डबल बॉटम डबल टॉप क्रिएट करके आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट की सलाह देता, बट बैंकिंग सेक्टर अभी पॉजिटिव है तो आई थिंक कि अगर ये ब्रेक करता है अपने टॉप को तो अच्छी मोमेंटम दे सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को एंट्री लेवल इस टॉप के ऊपर ही दिया है। सो अगर कल ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो आपका तो बाय सिग्नल जनरेट ही नहीं हुआ, बट अगर ये अपने प्रीवियस दोनों हाइस को, स्विंग हाइस को ब्रेक करके ऊपर जाता है देन यू कैन गो फॉर अ बाय। हमारे जो टारगेट्स होंगे 222 के होंगे, जो मुझे लगता है 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को बहुत ईजिली दिखा सकता है। बाय करना इसी के ऊपर, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड आप लोगों को अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। टारगेट्स, टारगेट और स्टॉप लॉस और एंट्री तीनों को नोट कर सकते हैं आरबीएल बैंक के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, प्लस हम लोग ओपन इंटरेस्ट को भी देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर हमें लग क्या रहा है कि एक्चुअल में बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी कहां पर आ रही है, कहां पर बुलिश है, कहां पर बियरिश है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, क्योंकि हम लोग 1 लाख के ऊपर एम कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स, और आई थिंक ये विद इन दिस जुलाई मंथ हम लोग अचीव कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे और उसके बाद पढ़ते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। सो हम लोग बात कर रहे हैं अब निफ्टी की, तो निफ्टी पे आप लोगों को मेरे सामने मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये भी एक सिमेट्रिकल चैनल के अंदर काम कर रहा है।
ठीक है, इसका एक क्लियर ब्रेकआउट अभी तक हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा क्योंकि अभी तक ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों को एक क्लियर चीज तो पता चल रही है, अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो अपने प्रीवियस स्विंग लो तक आएगा, बट अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें टारगेट्स नहीं पता बिकॉज ये एक न्यू लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, सो उसके लिए अगर इसका अपर साइड में ब्रेकआउट आता है तो ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं 15,900 का ब्रेकआउट आता है। ठीक है, एक 15,900 भी एक स्ट्रांग लेवल है बिकॉज प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखेंगे कि कितनी बार टेस्ट करने की कोशिश करी है बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करा और दोबारा नीचे आया है, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। बट अगर नीचे ब्रेक डाउन करता तो शायद एक पैनिक सेलिंग की वजह से ये इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऊपर ब्रेकआउट देता है, बाय चांस अगर 15,900 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, सो आप लोगों को क्या लगता है कि कहां तक जा सकता है? मैक्स टू मैक्स आप लोगों को लगता है 16,000 तक जा सकता है बिकॉज 16,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे ही वहां पर निफ्टी पहुंचेगा तो एक पैनिक सेलिंग वहां पर भी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 16,000 16,030 तक तो ये जा सकता है। ठीक है, सो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि 15,700 से लेके एक मोटा मोटा मान के चलते हैं 15,680 से लेके 16,070 तक, इसके ऊपर या नीचे कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 15,670 का इसका ये है, बट अगर उसके पास मान के चले 15,680 से नीचे तो पॉसिबल है कि शायद नहीं गिरेगा, और अगर ब्रेकआउट देता भी है तो 16,000 को भी अगर ब्रेक कर देता तो 16,030 40 या 50 तक ही जा सकता है। ठीक है, उसके बाद शायद दोबारा नीचे आ जाए। ओके, हम मान के चलते हैं 16,100 तक भी जा सकता है। सो हमें क्या करना है, हम लोगों को पेशेंसली वेट करना है, आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है हम उसकी तरफ अपना एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल जहां पर भी क्लोज करती है उसके बेसिस पे हम लोग अपना ट्रेड लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट पे और एक्चुअल पे वो क्या दिखा रहा है, बिकॉज मैं ऑप्शन चेन पे अभी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो बता देता है ऑप्शन चेन पे हमें वही चीज बताता है, क्योंकि वहां पर भी हम लोग ओपन इंटरेस्ट को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, सो मैं सीधा ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ में आ रहा हूं क्योंकि मैं वहां पर आप लोगों को फर्दर चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, सो लेट्स मूव टू निफ्टी ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग अपने निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस पे आ चुके हैं। इसके लिए मैंने जो आप लोगों के सामने वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ वो है सेंसिबल। सेंसिबल मैं ज़्यादातर जनरली यूज़ करता हूँ ऑप्शंस को देखने के लिए, स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने के लिए। सो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ग्राफ शो कर रहा होगा एंड ग्राफ पर आप लोगों को ग्रीन बार्स एंड रेड बार्स देख रहे होंगे। जो ग्रीन बार्स हैं वो पुट्स के हैं और जो रेड बार्स हैं उसे हम कहते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन कॉल साइड। ठीक है, सो ये ओपन इंटरेस्ट है कॉल का जो कि रेड बार है और पुट का है ओपन इंटरेस्ट ग्रीन बार। अब यहां पर आप लोग सोच रहे हैं अगर कॉल साइड ज्यादा बुलिश होती है सो वाई कॉल ग्रीन का बार नहीं है और पुट बियरिश होती है तो पुट रेड में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर जितने ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादातर ऑप्शन राइटर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं। सो इसीलिए ये बनाया गया कि अगर पुट को कोई सेल कर रहा है तो उसे हम लोगों ने ग्रीन में रखा हुआ है बिकॉज वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर किसी ने कॉल को सेल कर रहा है तो वो इसीलिए रेड में रखा गया है बिकॉज एक रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर रहा है। सो रेड बार जो आपको दिख रहे हैं वो एक रेजिस्टेंस है, ग्रीन बार आपको सपोर्ट का एक्ट करते हुए दिखेंगे। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक एडवांस लर्निंग में इसके ऊपर भी लेकर आऊंगा जल्दी से, अगर आप लोग कोई भी वीडियो के अंदर 1200 लाइक्स को कंप्लीट करते हैं। अगर वो इस वीडियो के अंदर आती है तो आप लोगों को कल वो वीडियो मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। अब यहां पर थोड़ी सी स्टडी करते हैं, यहां पर आप लोगों को क्लियरली पता है ये सबसे स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट कहां दिख रहा है, सबसे बड़ी कैंडल आप लोगों को कहां पर देखने को मिल रही है। एक तो रेड साइड में मतलब कॉल साइड में आपको ये दिख रही है, उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहां पर लेवल्स दिख जाएंगे। ठीक है, 16,000 का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे देखने को मिल रहा है कॉल साइड में 16,000 का। अब कॉल साइड में अगर दिखने को मिल रहा है तो मतलब ये रेड कलर का जो बार है दैट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, यानी कि 16,000 का इस वीक 1st of July की एक्सपायरी में सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस और सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो मिल रही है 16,000 पे, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें और जो ट्रेडर्स को लग रहा है ऑप्शन राइटर्स को लग रहा है कि 16,000 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर हम लोग ग्रीन साइड में या पुट साइड में सबसे ज्यादा देखें तो हम लोगों को सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 15,800 पे। 15,800 पे हम लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो यानी कि हमें एक चीज पता चल रही है कि इससे पता चल रहा है कि जो वीकली की क्लोजिंग है वो हम लोगों को 15,800 के नीचे देखने को नहीं मिल रही है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर है? निफ्टी की क्लोजिंग है 15,860 पे,
मतलब 15,850 अगर मान के चले एक स्ट्राइक प्राइस को लेकर चलते हैं, ठीक है। सो 150 पॉइंट्स नीचे अगर हम लोग मान के चले तो एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और 150 रुपीज ऊपर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ठीक है। बट अगर मैं स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर दूं, अगर मैं बोलूं यार जो एटीएम मनी है, जो एटीएम मनी है वो है 18,900, 18,900, तो आप लोग देख सकते हैं 100 रुपये नीचे सपोर्ट है, 100 रुपये ऊपर रेजिस्टेंस है। सो आप लोग एक रेंज की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप लोग कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उसके अलावा आप एक आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोगों को एक चीज पता चली, अगर हम लोग सेकेंड हाइएस्ट देखते हैं तो सेकेंड हाइएस्ट हम लोगों को 16,100 पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा 15,500 पे देखने को मिल रहा है। सो यानी कि हमें एक चीज तो पता चल रही है, सबसे ज्यादा जो बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही है वो हम लोगों को पुट साइड में देखने को मिल रही है, एंड छोटी छोटी कैंडल्स जो होती जा रही हैं वो हमें कॉल साइड में देखने को मिल रही है। इससे एक क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर गिरावट आती है तो गिरावट आते समय एक स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि निफ्टी को ऑलरेडी बाउंस करते हुए लेकर चले जाएगा। बट अगर बढ़ना स्टार्ट करता है निफ्टी, तो निफ्टी 16,000 के बाद लेवल्स उसके लिए और ज्यादा खुल जाएंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा एक्ट कर नहीं रहा। अब ये तो रेगुलर बेसिस पे चेंज करता रहेगा, कल मंडे को कुछ और अलग हो जाएगा, ट्यूजडे को कुछ और अलग हो जाएगा, तो वो मैं आप लोगों को डे टू डे एक्सप्लेन करते रहूंगा जब मेरी वीडियो आपके सामने आती रहेगी। बट इससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं एक मान के चलू इस जुलाई की वीकली एक्सपायरी की रेंज, तो 15,700 से लेके 16,100 इस रेंज के अंदर मार्केट अपनी क्लोज कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, पहले चार्ट्स पे बात करते हैं, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे। सो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन करा हुआ है। निफ्टी की हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात कर ली है, अब बैंक निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी पे आप लोग क्लियरली देख रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, इसका एक क्लियर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर लेवल से, जो कि 15,300 का था। अब यहां पर हम लोग अगर प्रीवियसली बात करते हैं, सो 35,300 रुपीज का बहुत टाइम तक हर्डल बनते रहा। आप देख रहे हैं यहां पर भी एक सेलिंग आई, फिर एक सेलिंग आई एंड फिर एक सेलिंग आई। आप एक चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी होती है समझने के लिए। फर्स्ट टाइम जब यहां पर रीटेस्ट करा तो इतनी सी सेलिंग आई, सेकेंड टाइम करा तो बहुत तेजी से सेलिंग आई, एंड थर्ड टाइम तो और तेजी से सेलिंग आई। उसके बाद आप देख रहे हैं ना, मतलब सेलिंग इंक्रीज हो रही है, यहां पर सेलिंग प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो 35,300 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था जो कि एक्ट कर रहा था। इसके अलावा जब दोबारा यहां पर आया तो एक छोटी सेलिंग आई, और इवेंचुअली कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ब्रेकआउट दिया। सो यानी कि इससे इंडिकेशन ही मिला, सेलिंग का प्रेशर कम हुआ, बाइंग का प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहीं से बाउंस कर सकते हैं, बिकॉज एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हो सकता है कि ये दोबारा नीचे आए। आप देख सकते हैं ये दोबारा ये वाली ट्रेंड लाइन तक आए, ठीक है, ट्रेंड लाइन को एक बार रीटेस्ट करे, प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे और एक नया हाई दोबारा क्रिएट करे। सो देर इज अ येस, देर इज अ पॉसिबिलिटी। सो करना क्या है आपको, अगर कल बाय चांस ये गैप डाउन खुलता है, और अगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर ये गैप डाउन खुलता है और 35,270 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, अगर गैप डाउन खुलता है और 35,270 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, आपको क्या करना है, आपको यही लोस को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। जैसे ही ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती है और वहां से एक बाउंस करना स्टार्ट करती है, आप लोग बाय कर सकते हैं। मतलब ये डिप ऑन बाय है, अभी ये स्ट्रैटेजी हम लोग इंप्लीमेंट करके चल रहे हैं। अगर गिरावट आती है तो डिप ऑन बाय करके स्ट्रैटेजी है, आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट अगर यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट करता है और 35,400 को क्रॉस कर देता है, तो जैसे ही 35,400 को क्रॉस करेगा आप लोग बाय करके चल सकते हैं। 35,700 to 800 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। व्हाई, आप देख सकते हैं क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई यही है दोनों। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 35,700 to 800 तक के टारगेट्स मुझे लगता है बहुत इजिली बैंक निफ्टी दे सकता है, ठीक है। सो अब आप लोगों को एक चीज नोट करनी है, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो सपोर्ट पे बाय करना है, अगर ऊपर खुलता है और 400 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आप लोग एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की, वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो चलते हैं बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे।
सो बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। सबसे ज्यादा सबसे पहले आप बात करिए पुट साइड पे सबसे बड़ी बार कौन सी है। आप छोड़िए कोई भी पुट साइड कॉल साइड देखिए ही मत, आप ये देखिए सबसे बड़ी बार आपको कौन सी देखने को मिल रही है। आपको देखने को मिल रही है यार सबसे बड़ी बार ये ग्रीन साइड वाली है। अब ग्रीन मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सपोर्ट है। सो कौन से लेवल पे 35,000 पे मुझे एक सबसे ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी बैंक निफ्टी पे, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हम लोगों को ट्रेंड लाइन जो नीचे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है हमें वहां पर बाय करना है। और वो जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो भी 35,000 का ही था। यस गाइस आप लोग अभी बनाएंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी दिख जाएगा कि अगर गैप डाउन खुलता है और नीचे आना स्टार्ट करता है, मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था बाय ऑन डिप का और वो बाय ऑन डिप 35,050 रुपीज का ही लेवल था। यस गाइस सो आई थिंक ये एक बढ़िया सपोर्ट है, अगर उस लेवल पे कल आता है तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू बाय बैंक निफ्टी। इसके अलावा सेकंड हाईएस्ट कहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो ये वाली कैंडल है, रेड कलर की है। रेड कलर की इन द सेंस एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है जो कि 36,000 पे आ रहा है। अब आपको देखने को मिल रहा है 35,000 एक सपोर्ट है, 36,000 एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक बीच पे पर्टिकुलर ये इंडेक्स एक्ट कर रहा है, एक रेंज के अंदर हो गया 1,000 पॉइंट्स की रेंज के अंदर। ठीक है सो यहां पर आप लोग अगर देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट आप लोगों को 35,500 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि 35,500 के आसपास हाईएस्ट पुट राइटर और कॉल राइटर भी दोनों है, सॉरी सेकंड हाईएस्ट। सो 35,500 एक स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक्ट कर सकता है। अगर 35,500 के ऊपर 15 से 20 मिनट रुक जाता है तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि 35,500 भी शायद ब्रेक ना करे विद इन अ कपल ऑफ डेज, बट अगर उसको टेस्ट करके नीचे आता है तो वहां पर हम लोग मान के चल सकते हैं कि वो एक रेजिस्टेंस का भी एक्ट कर सकता है। एक चीज हम लोगों को कंफर्म हो गई है कि 35,000 से 36,000 तक के बीच में ही इस वीकली क्लोजिंग देखने को मिल रही है और 35,500 एक स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक्ट कर सकता है। ठीक है सो यहां पर हम लोगों को एक चीज तो पता चली है, 35,500 से 500 रुपये ऊपर रेजिस्टेंस है, 500 रुपये नीचे सपोर्ट है। सो यहाँ पर भी हम लोग एक रेंज की स्ट्रैटेजी, यहाँ पर भी हम लोग एक आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। ठीक है यहाँ पर भी हम लोगों को एक बढ़िया बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सो आई होप गाइज आप लोगों को एक बढ़िया स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने को मिली होगी, आप लोगों को कुछ फर्दर समझ में आया होगा। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, हमें पसंद आया तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो हमारी स्ट्रैटेजी कैसी लगी है। हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। सो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे दो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, सबसे पहले उन्हें क्लिक करिए। एक तो आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उस पर आप लोग अपना ईमेल एड्रेस करेक्ट डालिएगा बिल्कुल, और फोन नंबर करेक्ट डालिएगा। वहां पर आप लोगों को एवरी वीक ऑन अ मेल आप लोगों को हमारी तरफ से एक स्ट्रांग एक एडवांस रिसर्च रिपोर्ट मिला करेगी जिसके थ्रू आप नेक्स्ट वीक पे पूरी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। यस गाइस इसके अलावा आप लोगों को एक एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिलेगा अकाउंट ओपन का, उसे जाके जल्दी अकाउंट ओपन करवाइए। 15 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा और एक घंटे के अंदर आपके पास लॉगिन की यूजर आईडी और पासवर्ड भी आ जाएगा। और वहां पर आप लोगों को अभी बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, देख सकते हैं यहां पर आपको ये शो कर रही है, इसे जाके देखिएगा। बहुत बेनिफिट्स हैं जो आप लोग उठा सकते हैं और एक घंटे के अंदर अकाउंट ओपन हो रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके जल्दी खुलवाइए। प्लस फोन नंबर आप लोगों को मेरा नीचे मिल रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर उसमें भी आप व्हाट्सएप करिए अगर आप लोग हमारी तरफ से लाइव मार्केट स्विंग ट्रेड्स प्लस ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज चाहते हैं ऑन अ एवरी मंथ बेसिस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।